हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया जी। हर हर गंगे। गंगोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप अस्सी गंगा एवं माँ भागीरथी जी के संगम से गंगा मैया जी के पवित्र दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इधर अस्सी गंगा है, उधर माँ भागीरथी जी हैं। और मित्रों, आज आपके साथ में एक अपना कुछ अनुभव, अपना कुछ विचार, अपनी कुछ इच्छा साझा करना चाह रहा हूँ। ऐसी मेरे आज मन में इच्छा है कि उन्हें आपके साथ साझा किया जाए। मैं जब ऋषिकेश में रहता था तो मेरी एक इच्छा थी कि बाबा कभी आगे आने वाले समय में ऐसा करें कि कहीं उत्तरकाशी से आगे मेरे पास एक छोटी सी कुटिया हो, वहाँ पर और छोटी सी कुटिया के अलावा ज़मीन हो जहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जियाँ, थोड़े से फूल वहाँ पर उगाऊँ। अब सीधी सी बात है, सब्जियाँ अपने खाने के लिए और फूल बाबा की पूजा के लिए, माँ गंगा जी की पूजा के लिए। तो मैंने सोचा था कि कभी मेरा सामर्थ्य होगा, बाबा ने दिया तो ऐसा करेंगे, देखेंगे। तो बाबा ने कहा, बेटा तेरा सामर्थ्य तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, चल तुझे किराए पे ही ऐसा घर दे देता हूँ जहाँ पर जो सब कुछ तू चाहता है वो तुझे उस किराए के घर में ही मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा। तुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज आपको अपने खेत दिखाता हूँ मैं। ये पेड़ आप देख रहे हैं हमारे घर में, ये जो फल है बहुत खट्टा होता है, आपकी सोच से ज्यादा खट्टा। ये देखिए, ये लौकी यानी कि घिया को खोखला करके और ये पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, तब इसमें आप कुछ भी ऐसे गमला लगा सकते हैं। तुलसी माता, ये देखिए, ये सब फूल, ये अमरूद का पेड़, मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बाबा ने मुझे दे दिया। यहाँ पर भिंडी बोई गई है और ये माताजी अभी सब्जी निकाल रही हैं। ये देखिए, इन्होंने सब्जी निकाल ली है अभी खेत से, ये वाली सब्जी है जो कि अभी आप ये टोकरी में देख रहे हैं। ये खट्टी खट्टी सब्जी होती है, इस पे दाने भी आते हैं, उन दानों की भी सब्जी बनाई जाती है। और ये आप देख रहे हैं बीन्स, ये आप बीन्स देख रहे हैं मित्रों। और इधर आप ये गोभी देख रहे हैं। इधर क्या उगाया माता जी? मिर्च, ये मिर्च उगा रखी है, कुछ दिन में हो जाएगी। और उधर क्या उगाया है? वहाँ वहाँ मक्का, अभी मक्का लगाएंगे ना वहाँ। और नीचे भिंडी, वाह मित्रों वाह, देखिए क्या आनंददायक जीवन मेरे बाबा ने, मेरी मैया ने मुझे दिया। और ये मेरी मकान मालकिन है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं हमें। प्रतिदिन लगभग रोज घर की सब्जी और वो भी बिना खाद की, इतनी इतनी किसे कहते हैं स्वच्छ पवित्र सब्जी हमें अपने घर की मिलती है। वाह, कोटि कोटि नमन है मेरी इन माता जी के चरणों में भी और मेरी वो जो गंगा मैया जी बह रही हैं उनके चरणों में भी। जय मेरे बोले शंकर महादेव। जैसा मैंने सोचा था कि मेरी एक कुटिया हो, उसमें मैं कुछ सब्जियां उगाऊं, कुछ फूल उगाऊं, बाबा ने कहा, बेटा तेरा सामर्थ्य नहीं होगा इतना, वो जमीन खरीदेगा, कुटिया बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, तू सब कुछ बना बनाया ले और साथ में एक माँ भी ले। सब कुछ यहाँ पर इन्होंने, देखिए फूल सब्जी सब कुछ बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ मुझे। जय मेरे शंभू, जय जय मेरी गंगे मैया जी, हर हर महादेव। ये आप प्याज देख रहे हैं, अपने ही खेत का उगाया हुआ। हालांकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूं और न जाने क्यों मित्रों, इस वृक्ष पर जो फल लगते हैं
उनको पक्षी जहाँ फल लगा हुआ उसके ठीक ऊपर से डंठल से स्टैनी से काट देते हैं। ये देखिए कितना बड़ा फल हो जाता है, अभी ये और बड़ा होगा। और ऐसे देखिए नीचे गिरे हुए ये फल आपको दिखेंगे बहुत सारे, रोज काट दिए जाते हैं ये, ना जाने क्यों, क्या प्रकृति का इसमें रहस्य है, खेल है। जय गंगे मैया। जय जय गंगे मैया जी। जय गौ माता जी। जय गौ माता जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। जय जय गंगे मैया जी। जय जय गंगे मैया जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर गंगे। हर हर गंगे। बोलो। हर हर महादेव। जय जय गंगे मैया जी। जय 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 गौ माता जी। जय गौ माता जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गंगे मैया जी। जय गंगे मैया जी। जय गौ माता जी। जय गौ माता जी। जय जय गंगे मैया। जय जय गंगे मैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चिरंजीवी हो। हर हर महादेव। ऐसी आनंदपूर्ण जीवन यात्रा चल रही है मेरी, माँ के चरणों में, बाबा के चरणों में। हाँ ताऊ नहीं ताऊ जी, ताऊ नहीं ताऊ जी, पहले ये बताओ ताऊ नहीं ताऊ जी। शाबाश। मित्रों अभी आपने गंगा मैया जी के पवित्र पुण्य दर्शन के साथ साथ मेरे जीवन की भी कुछ झलकियां देखी, और एक प्रार्थना और करता हूं मित्रों कि वीडियोस देखते हैं कृपया लाइक कमेंट किया कीजिए, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ऐसे पवित्र दर्शन आपके मित्र जनों प्रियजनों तक पहुंचे तो शेयर भी किया कीजिए। हर हर महादेव। जय जय मेरे भोले शंकर महादेव। और आपने देखा मेरे मकान मालिक के बच्चे, मेरे पड़ोसी के बच्चे भी मुझे कितना प्यार करते हैं अपने की तरह, ये माँ की कृपा है। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।